मेयो अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर इलाज के लिए आए चार संदिग्ध व्यक्ति अचानक अस्पताल से गायब हुए। इसकी भनक चलते ही मेयो में खलबली मच गई। इन विषयों को लेकर नागपुर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने पत्र परिषद ली। इस मौके पर कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या शुक्रवार को 3 हुई है। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को शहर के मेयो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। इस मरीज के संपर्क में आए लोगों में से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बाकी 14 लोग निगेटिव होने की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गई है। IGMC से जो 4 मरीज कल खुद होके निकल गए थे शाम को, रात में लगभग 10:30-11 के करीब, उनमें से 3 लोगों को हम लोगों ने अभी फिर से यहाँ पे वापस लाया है और एक जो है वो एक आधे पौन घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये सारे मरीज जो है वो कल वहाँ पे उनका सैंपल लिया गया है और सैंपल लेके जो है उसकी रिपोर्ट जो है आज दोपहर में 3:30-4 बजे तक हमको मिलने की उम्मीद है। ये जो पेशेंट निकल गए, वहाँ पे जो व्यक्ति आए थे, इन व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं थी, अपनी अपनी असुविधाएं थी, उसके कारण भी वो निकल गए। डॉक्टरों ने उनको मना करने की उस समय पे कोशिश भी की, वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद एक्चुअली 2 व्यक्तियों के निगेटिव रिपोर्ट आए थे और वो जैसे फिर वहाँ से निकल गए तो उनके साथ में ये लोग भी निकले, तो ये लोगों को रोकने की कोशिश बाकी के स्टाफ ने की लेकिन वो माने नहीं और वो निकल गए थे। हमने सबसे संपर्क किया और आज अभी 3 लोग जो है वहाँ पे पहुँच गए, ये पहली बात है। दूसरा जो है, ये 4 में से 3 लोगों को कोई लक्षण नहीं है, ना बुखार है, ना कोई खांसी है, ना कोई सर्दी जुकाम है, लेकिन उन लोगों को जो है जो हाई रिस्क बोलते हैं कि जो एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया था उनके संपर्क में आए हुए लोग थे। जानलेवा कोरोना वायरस से सभी जगह खबरदारी के उपाय किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट पर सावधानी बरती जा रही है। अब जो भी व्यक्ति परदेश से आ रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट से अब शहर के MLA हॉस्टल में 14 दिनों की डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाने वाला है, ताकि कोरोना पीड़ित यात्री हो तो कोरोना का फैलाव ना हो, और उसी के चलते खबरदारी के पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरते, ऐसा संदेश भी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे द्वारा दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपुर।